सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अफताब आलम के सौजन्य से वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान को लेकर हाजी मोतियूर रहमान के नेतृत्व में बालूमाथ के सेरेगढ़ा चौक शहीद चौक में वैक्सीनेशन के ऊपर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी मोतियूर रहमान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के बीच काफी भ्रांतियां हैं, लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, अंधविश्वास का माहौल है। ऐसे में हम सभी को आगे आकर जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी प्रखंड वासियों से अपील किया कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है, वो है वैक्सीन। वैक्सीन ही कोरोना संक्रमण से बचाव का सुरक्षा कवच है, इसलिए वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। ग्रामीणों के बीच मुफ्त में इस दौरान मास्क का भी वितरण किया। वहीं विभिन्न क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच जो अफवाह का माहौल है उसे दूर करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बालूमाथ से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। यूथ कांग्रेस लातेहार ने एक अभियान चलाया है जिसके जरिए लोगों को जागरूक करना है कि यह जो हमारे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसका वैक्सीन अगर हम ले लेते हैं तो उस वायरस से हम सुरक्षित रहेंगे। बहुत सारे लोग देहात और गांव में इस वैक्सीन को लेना नहीं चाह रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार और झारखंड सरकार का जो गाइडलाइन है, जो वायरस फैल रहा है हमारे देश में, हमारे राज्य में, उससे बचने के लिए हम वैक्सीन अवश्य लें। 18 साल से ऊपर वाले का फ्री में वैक्सीन, बालूमाथ हॉस्पिटल में भी और हर पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र में सहिया लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अगर यह वैक्सीन हम ले लेंगे तो कोरोना वायरस से हम सुरक्षित रहेंगे और हमारा राज्य, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आम आवाम से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने घरों में जाकर अपने भी अपने अपने बाल बच्चों को जो 18 साल से ऊपर हैं उनको कोरोना वैक्सीन लगवाएं, जिससे इस कोरोना वायरस से हम सुरक्षित रह सकें। जय हिंद।